नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 लाख रुपए का बजट लेके चल रहे हैं और 2 लाख से कैसे कपड़े की एक दुकान को ओपन किया जा सकता है और अच्छा खासा कैसे प्रॉफिट किया जा सकता है आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि आप लोग कपड़े का कोई धंधा करने की सोच रहे हैं, कपड़े की कोई दुकान लगाने की सोच रहे हैं, तो आज इस वीडियो को जरूर देखना। आज की इस वीडियो में अपना प्रॉपर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे कस्टमर के साथ डील करनी है, कैसे होलसेलर से मिलना है, कैसे आपको प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। ये जो भी चीज़ें हैं मैं खुद जो एनालाइज कर चुका हूँ, खुद मैंने इस चीज़ में देख रखा हूँ और खुद मैं एक दुकानदार हूँ, व्यापारी हूँ, तो आपको बता सकता हूँ। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको खुद लाइव बताने वाला हूँ। जो भी मैंने जो अभी तक एनालाइज किया है, समझा है और इस मार्केट में उतर के देखा है, वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों। एकदम रियल है और ये आपके दुकान पर, आपके बिजनेस पर बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी और अच्छा आपको कामयाब बना सकेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है, राजस्थान के छोटे से राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और पिछले आप जैसे बहुत से लोग जॉब के साथ साथ बिजनेस करने की सोच रहे हैं या कुछ दुकान ओपन करने की सोच रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहा हूं। आपको मैं पर्सनली बता देता हूं दोस्तों, मेरे पर्सनली 2 दुकानें चल रही हैं और अच्छे से वो रन कर रही हैं। इसके साथ में मैं खुद फोटोग्राफर हूं, आउटडोर भी जो फोटोशूट करता हूं, और इसके साथ आपको बता दूं मेरे जो सब्जी के 2 ठेले चल रहे हैं, इस प्रकार से मैं अर्निंग कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैंने जो देखी हुई है और इन चीज़ों को मैंने मार्केट में समझा है, तभी मैं इतना कुछ आगे बढ़ पा रहा हूँ और आगे इतना कुछ हो पा रहा है और अच्छा खासा पैसा बना पा रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, बिजनेस को कैसे रन करना है, कैसे समझना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं दोस्तों आप सभी साथियों को मैं कपड़े के बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ। कपड़े की दुकान लगा रहे हो, गारमेंट्स की दुकान लगा रहे हो, तो आप कैसे अपने दुकान को अच्छे से रन कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़, कपड़े में 1000 प्रकार के आइटम होते हैं दोस्तों, चाहे वो आप लेडीज़ के लिए हो, साड़ी, ब्लाउज, जो भी हो इन चीज़ों में। इसके साथ में आप यदि ड्रेस में जो आपके जेंट्स हो, बॉयज़ के जितने भी होती है कपड़े, वो सब आप सेलिंग कर रहे हो। इनमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है दोस्तों, मैं आपको रिलेटिव बता रहा हूँ सच में, और जो भी दुकानदार हैं वो इस चीज़ को समझेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने दुकान में एक साथ स्टॉक रखते हैं। जैसे कि आपने कोई दुकान स्टार्टअप किया तो आप 5 लाख का माल लेके आ गए, 6 लाख का माल लेके आ गए और वो आपके 6 महीने 1 साल तक नहीं निकलता है, तो ऐसे में उसका नुकसान हो जाता है। सच बात कह रहा हूँ और ये बहुत से लोग अभी है जो जिनकी दुकानें होगी वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। भाई साहब सच बता रहा हूँ मैं आपको, और ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आप लोग कम बजट के साथ उतरे हो मैदान में तो आपको हर एक चीज़ समझना पड़ेगा। आपके पास में 2 लाख है, 5 लाख है, 4 लाख है, जो भी आपके पास में बजट है आप दुकान के लिए लगा रहे हो, तो आपको सबसे पहले एक शेड्यूल बनाओ, यानी कि मेरे को इतना पैसा उसमें खर्च करना है, इतने का माल लेकर आना है, इतना मेरे पास बैकअप होना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। 2 लाख का यदि आपके पास में इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख का आपका पैसा है और इसमें आपको दुकान स्टार्टअप करना है, तो आपको सबसे पहले 1 लाख रुपये का ही माल लेकर आना है। समझना मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, इसे समझना आप, और इसके बाद दुकान ओपन करने की सोचना। 2 लाख में से आप सिर्फ 1 लाख का माल लेके आओगे, वो भी होलसेलर के साथ में डील करके लेके आओगे। आप ऐसे ही रिटेलर के साथ में या ऐसे जो दुकानदारों के साथ में आप डील करके नहीं लेके आओगे, ऐसे में आपका नुकसान बहुत हो सकता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। समझ गए ये चीज़। अब आपको क्योंकि होलसेलर के साथ में डील करोगे तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि भाई साहब कौन सी चीज़ें और कितनी रेट में आ रही है, और इसमें आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। यदि इसमें से 30% भी आपका प्रोडक्ट बच जाता है और नहीं निकलता है, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। समझ गए, इससे आपको प्रॉफिट होगा। समझ गए ये चीज़ है, होलसेलर के साथ आप डील करोगे तो आपको फायदा होगा। अब दोस्तों 1 लाख जो बचा हुआ है उसके साथ आपको क्या करना है, इस चीज़ को समझना। आपको 50,000 का पूरा पैकेज आपके अकाउंट में रखना है। 50,000 आपको कोई इसमें धंधे में नहीं लगाना है, 50,000 आपका पीछे बैकअप रहेगा। समझ गए, 50,000 यानी आपका किराया हो सकता है, लाइट बिल हो सकती है, या जो अर्जेंट में कोई ज़रूरत पड़ गई आपको, तो वो पैसों की ज़रूरत के लिए आप अलग से वो 50,000 का फंड आप एक साइड रख देंगे। समझ गए, अब 50,000 का है जो देखोगे भाई साहब की मार्केट में, जो आपने 1 लाख का जो परचेजिंग की है ना, आपने जो 1 लाख के जो प्रोडक्ट आपने खरीदे हैं, चाहे वो ब्लाउज हो, पेटीकोट हो, साड़ियाँ हो, जींस हो, टॉप हो, शर्ट हो, जो भी चीज़ें जो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, आपसे जो 1 लाख में से ज़्यादा परचेजिंग हुई है, ज़्यादा लोगों के द्वारा खरीदी गई है, उसमें आपको 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना है। समझ गए, यही चीज़ होती है दोस्तों बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए। समझ गए, इस चीज़ को समझना। जब आपका 50,000 का बजट हो गया और उसी में आपने 50,000 डाल दिया, तब आपका बिजनेस दोस्तों नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा और बिजनेस बहुत अच्छा फास्ट तरीके से ग्रोथ होगा। सच बता रहा हूँ, यही चीज़ें होती है। मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं और एनालाइज किया हूँ, समझा हूँ बिजनेस को, और फिर अपने दुकान को ओपन किया और अच्छे से रन किया है, और आज की डेट में बता रहा हूँ सच में बहुत अच्छा पैसा बना रहा हूँ। यही चीज़ होती है दोस्तों, आपको मार्केट में समझना पड़ेगा मार्केट की जो वैल्यू क्या है और मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है।
अब ये आपके पास में हो जाए तब आपको क्या कि जो आपका 50,000 का पैकेज तो अलग ही था, इससे आपको क्या है कि आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं रहेगी भाई साहब कि आपका लाइट बिल आ गया है या जो आपको कोई रेंट वाला आया है किराया मांग रहा है। ये बालतू है जो ऐसे झंझट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो सिरदर्द करते हैं दोस्तों, सच बता रहा हूँ। यदि आपके किराए पे लोगे, आप रेंट पे दुकान ले रहे हो तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी और आप इस चीज़ को समझ भी नहीं पाओगे भाई साहब आज ग्राहक ही नहीं हुई, आज ग्राहक नहीं आए, कस्टमर नहीं आए, ऐसे दिमाग बहुत खराब होता है, सच बता रहा हूँ। मैंने खुद जो ग्राउंड लेवल के देखा है और मैंने खुद एनालाइज किया और देखा, मैं दुकान पर बैठ के सब चीज़ें देखी है, समझ गए। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, जब आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं होगी भाई साहब कोई टेंशन ही नहीं है, भले धंधा चले ना चले लेकिन मेरे पास में पैकेज पड़ा है वो मैं उससे दे दूंगा, समझ गए। जब आपकी जो 5,000 की हो, आपके रेंट का किराया हो, 2,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, जो भी हो, आपके पास में जो एक पैकेज तो पड़ा है, आपका दिमाग में ये सिरदर्दी तो नहीं रहेगी, समझ गए। तो आपको ऐसे काम करना, इसके साथ आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे जो बहुत से लोग गलती कर देते हैं, जैसे आपके दुकान चलने लगी जो पैसा है वो अपने घर खर्चों में चलाने लग जाते हैं, अपने जो फालतू खर्चे कर देते हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना, समझ गए। आपको ऐसा करना ही नहीं है, जो भी आपने कमाया अभी तक उसको एक अलग साइड रखना है, यानी 75% जो भी पैसा है आपको वेस्ट नहीं करना है, उसमें अपने खर्चे नहीं करने हैं। 75% जो भी पैसा है आपके पास में, जो भी आता है 1,00,000 से जो भी 75% बना, वो सब आपके बैंक अकाउंट में डाल दो और जब आप नेक्स्ट शॉपिंग करोगे, जो भी आप पैकेज करोगे तो वो नेक्स्ट उसमें डाल देना। तो ये आपका पैकेज हमेशा बढ़ता जाएगा। 1,00,000 से आपने चालू किया था, आपका 1,75,000 हो जाएगा, इसके बाद वापस आप सेलिंग करोगे तो आपके 4,00,000 के करीब हो जाएगा और वापस आप करोगे तो 8,00,000-9,00,000 रुपए के आसपास हो जाएगा। तो ये बिजनेस बहुत फास्ट तरीके से ग्रोथ होगा और कहीं ना कहीं आप लोग भी मेरे जैसे ही होंगे। मैं खुद जो जब स्टार्ट किया था मेरे अपनी दुकान को तो इसी प्रकार से मैंने स्टार्टअप किया था, इस चीज़ों को समझा और समझने के बाद आज की डेट में बता रहा हूँ दोस्तों, मेरी पर्सनली 2 दुकानें हैं और मैंने खुद खरीदी है। ये सब चीज़ें मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद जो इस चीज़ में उतरा हूँ और मैदान में देखा हूँ, समझा हूँ, फिर मैंने अपनी दुकानों को परचेज भी की है। तो ये सब चीज़ ऐसे ही नहीं होती हैं, इनको समझना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है और बिजनेस में कैसे ग्रोथ करनी है ये मैंने चीज़ें आपको बताई है। आप लोग भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो सकते हैं दोस्तों, समझो इस चीज़ को और अच्छे से मैदान में उतरो, गारंटी के साथ बहुत अच्छा पैसा बनाओगे। बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब कि जो होलसेलर के साथ में कैसे डील करनी है, कहाँ से होलसेलर मिलेगा, तो मैंने जो स्पेशली एक वीडियो बना रखी है मैंने कि होलसेलर आपको कैसे मिलेगा, होलसेलर कहाँ पर मिलेगा, होलसेलर को कैसे पहचानना है, तो उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ। यदि आपको ज़रूरत है होलसेलर को पहचान नहीं पा रहे हो तो आप उस लिंक के माध्यम से, उस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हो कि कैसे होलसेलर के साथ में डील करनी है, कैसे होलसेलर से साथ मिलना है, कैसे आपको अच्छा प्रोडक्ट लेना है, ये सब चीज़ें मैंने उसमें बता रखी, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। आई होप कि वीडियो पसंद आए और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों इस वीडियो के बाद आप जरूर अपनी दुकान को ओपन करने में अच्छे सक्सेस होंगे, अच्छे से एक मुकाम पर पहुंचेंगे और एक दिन बहुत अच्छा हासिल करेंगे आपका दिन। एक दिन 100% श्योर हूं दोस्तों कि आप उस दुकान को जो आपने किराए से स्टार्टअप किया, उस दुकान को आप खुद की बना के रहेंगे। एक और चीज़ दोस्तों जाते जाते बता देता हूँ, आपका जो भी पुराना प्रोडक्ट होता है, जो भी चीज़ें आपकी पुरानी बच जाती है, उसको सेल के भाव बेच दो, समझ गए। यानी आपकी जो आई बाय है उसमें से आप 10% मार्जिन रख के जो भी प्रोडक्ट है जो पुराना हो चुका है उसको सेल कर दो, चाहे वो 3 महीने हो गया, 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, उसको आप सेल कर दो, सेल के माध्यम से निकाल दो, समझ गए। तो आपको ऐसे नुकसान नहीं होगा। बहुत से आपने दुकानदार देखा होगा जो पुराना स्टॉक भी रखते हैं, भाई साहब हमारे को इतना कस्टमर देता नहीं है, तो आपको ऐसे लेके नहीं बैठना है, क्योंकि अपनी पूंजी है, जो आपका पैसा है वो आपका एंड हो रखा है, रुका हुआ है, आपको पैसे से वो पैसा कमा के नहीं देगा, समझ गए। तो जो भी आपकी पुराना स्टॉक है तो उसको निकाल दो, कम भाव में ही निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कम मार्जिन मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको निकाल दो, समझ गए। तो आप नए जो माल पे ध्यान दो, नए माल को खरीदने में पैसा लगाओ, वही पैसा आपको कमा के देगा। ऐसे आपको काम करना है तो गारंटी के साथ बहुत अच्छा पैसा बनाओगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरी तो वीडियो को लाइक कर देना, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक शानदार बिजनेस आइडिया के साथ में, शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।